नमस्कार, मैं शामराव मोकाशी, अध्यक्ष राजाराम बापू पाटिल रिक्शा संघटना, और अभी मैं खड़ा हूँ बोरोली आरटीओ के सामने। ये भ्रष्ट कर्मचारी, लाचखारू कर्मचारी आरटीओ के, ये लोग ने पूरा राज्य भर संप पुकारा है, जनता को वेटिस पकड़ के एक एक कर्मचारी डेस्क में 20,000, 30,000, 40,000 लाच लेता है और जनता को बोलता है कल आ जाओ, परसों आ जाओ। अभी महाराष्ट्र के सभी वाहन मालिक, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त, इनको एक मेल कर दीजिए कि इनके ऊपर शिस्त भंग की कार्रवाई करो। और आज का आरटीओ कर्मचारी जितने महाराष्ट्र में संप में शामिल हो चुके हैं, उनका पगार काटो। जर सवेरे बिना शर्त काम पे नहीं आएंगे तो उनके ऊपर शिस्त भंग की कार्रवाई करो। ये आरटीओ कर्मचारी लाच खाते हैं, आने वाले को बोलते हैं कल आ जाओ, परसों आ जाओ। और इनका मेन प्रश्न है कि पेपरलेस सेवा चालू हो गई, ले ऑनलाइन से सब दुनिया ने काम करना है और इनका दुकान बंद हो जाएगा, एक पैसा भी कोई देगा नहीं। इसके लिए उनका वो बोम्बा बोम करते हैं, शासन ने तत्काल इनका पगार काटो और उनके ऊपर शिस्त भंग की कार्रवाई करो और तत्काल पेपरलेस सेवा चालू करो। आरटीओ कर्मचारी जी 40,000 रुपए हर डेस्क में डेली का लाच जमा होती है, आने वाले को बोलते हैं कल आ जाओ, परसों आ जाओ, नरसों आ जाओ, इनके ऊपर कार्रवाई होना ही मनता है। महाराष्ट्र के सभी वाहन मालिकों, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त, इनको मेल कर दीजिए, इनका पगार काटो, इनके ऊपर शिस्त भंग की कार्रवाई करो। धन्यवाद। मूछ वाले मोकाशी, यूट्यूब देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।